अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी। और बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ 4, पुस्तक हमारी मित्र, जो एक पत्र है। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन, जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतः एवं पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। बच्चों को पत्र लेखन के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ MMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पुस्तक हमारी मित्र एक पत्र लेखन है, जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त को पत्र लिख के पुस्तकों के महत्व के बारे में बताता है। पुस्तकें जो है वह हमें ज्ञान देती है। उनको पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होता है। उनको पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। यह पाठ जो है वो एक पत्र के रूप में है। इसमें पुस्तकों का महत्व बताया गया है। तो चलो बच्चों, पहले हम देखेंगे नए शब्द, पाठ में आने वाले नए शब्द, जिसमें है उमिया नगर, मुंद्रा, कच्छ, सकुशल, वांचे गुजरात, अभियान, सम्मिलित, संदर्भ, साबुन, अंधकार, संचार, स्रोत। आगे देखेंगे हम जिज्ञासा, मूल्यवान, सवारना, गुलदस्ता, भेंट, अर्जन। आगे देखें जिम्मेदारी, पन्ना, संकल्प, शुभकामना, बुके, प्रणाम। बच्चों, ये सारे नए शब्द आपको आपकी कॉपी में सुंदर अक्षरों में 3 बार लिखने हैं। अब हम आगे देखेंगे शब्दार्थ, जिसमें है सकुशल, यानी खैरियत से। सकुशल का मतलब है खैरियत से। आगे देखें अभियान, यानी कोई अच्छी प्रवृत्ति। अभियान का मतलब होता है कोई अच्छी प्रवृत्ति। आगे अंतर्गत यानी शामिल। सम्मिलित होना, इसका मतलब होता है शामिल होना। सम्मिलित होना यानी शामिल होना। संदर्भ यानी प्रसंग, संदर्भ प्रसंग। सूत्र नारा और फर्क यानी अंतर, फर्क अंतर। आगे देखें संचार करना यानी फैलाना। संचार करना मतलब फैलाना। स्रोत यानी उत्पत्ति, स्रोत का मतलब उत्पत्ति। जिज्ञासा यानी ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। जिज्ञासा ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। आगे देखें गतिमान रखना यानी आगे बढ़ाना। गतिमान रखना यानी आगे बढ़ाना। मूल्यवान यानी कीमती। आगे देखें सवारना यानी सुंदर बनाना।
सवारना, सुंदर बनाना। अवसर यानी मौका, अवसर मौका। पुष्प यानी फूल, पुष्प का मतलब होता है फूल। गुलदस्ता यानी फूलों और पत्तियों से बना गुच्छ, गुलदस्ता फूलों और पत्तियों से बना गुच्छ। भेंट, भेंट का मतलब होता है उपहार, भेंट उपहार। आगे देखें ज्ञान सर्जन, जिसमें आएगा ज्ञान बढ़ाने का काम। पन्ना यानी पुष्ट, पन्ना का मतलब पुष्ट। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, संकल्प दृढ़ निश्चय। शुभेच्छा यानी शुभकामना। बच्चों ये सारे शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में सुंदर अक्षरों में 3 बार लिखने होंगे। अब हम देखेंगे, पहले आएगा यहाँ पर एड्रेस 195 उमिया नगर सोसाइटी मुंद्रा, जिला कौन सा है कच्छ। इसके बाद आएगी दिनांक, पहले से देखे 195 उमिया नगर सोसाइटी मुंद्रा, जिला है कच्छ और दिनांक है 4/8/2011। फिर आएगा यहाँ पर संबोधन, प्रिय मनोज नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। सकुशल यानी खैरियत से है। मित्र क्या बता रहा है कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे, आशा करता है कि वहाँ भी सब खैरियत से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी, इनमें सम्मिलित हो गया था। मतलब मित्र क्या बता रहा है कि मैं तुम्हें कितने दिनों से पत्र लिखने का सोच रहा था, लेकिन हमारी शाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था जिसमें यह सम्मिलित हो गया था, मतलब शामिल हो गया था। मित्र तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। वो अपने मित्र को कहता है कि तुम भी सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है। वो सूत्र कौन सा है? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। ये किसने किया ये सूत्र घोषित? राज्य सरकार ने। जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। अब आगे बताता है, मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा है? पूजन के पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व। किताब हम सभी की मित्र है। क्या बोलता है? किताबें हम सभी की मित्र है। क्यों? क्योंकि वे हमें नया ज्ञान देती है, बराबर। वो हमें ज्ञान देती रहती है, ज्ञान का स्रोत है। एवं भले बुरे का फर्क बताती है, हमारे लिए क्या भला है क्या बुरा है ये भी कौन बताती है? किताबें ही हमें बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था, गांधी बापू गांधी जी ने क्या कहा था? पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। क्या कहा था? पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, हमारे मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। कौन? पुस्तकें। हमारे मन में जो अज्ञान अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार कौन करती है? पुस्तकें करती है। देखो अब आगे, किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा यानी ज्ञान प्राप्त करने या कुछ जानने की उत्सुकता, बराबर। मतलब किताबों से हम कुछ नया जान सकते हैं, वो हमें हमारी पूर्ति करती है जिज्ञासा की। इतना ही नहीं, वो ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है,
मतलब ज्ञान और विज्ञान को वह आगे भी बढ़ाती है। कौन? किताबें। किताबें मूल्यवान हैं, मतलब कीमती है। इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना और संवारना है, बराबर। इनसे इनको पढ़कर हमारे जीवन को सुंदर हमें बनाना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसे नहीं, पुस्तकें चाहिए। क्या बोल रहा है वो? मुझे पैसा नहीं पर क्या देना चाहिए? पुस्तकें। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का स्रोत है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। क्या बता रहा है? कि जब जन्मदिन हो तब पुष्प का गुलदस्ता नहीं चाहिए। क्या चाहिए? किताबों की भेंट देनी चाहिए, किताबें चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है। पुस्तकें क्या है? हमारी मित्र है और रहेगी हमेशा। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू किया है। क्या बोलता है पूजन? के मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू किया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे। क्या बोलता है मित्र के? कि तुम भी ऐसा ही करोगे। रोज हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना चाहिए और तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें दोस्तों, जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। क्या बताता है? कि आज से हम संकल्प करें। क्या संकल्प करना है? कि जन्मदिन जब हो उसके अवसर पर शुभकामना तो दुए, साथ साथ किताबों की भेंट दे, कीमती भेंट दो। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। हमें यहाँ पर बुके नहीं यानी पुष्प का गुलदस्ता नहीं, पुष्प गुच्छ नहीं चाहिए पर क्या चाहिए? बुक, मतलब पुस्तक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम। और क्या लिखा है? तुम्हारा दोस्त पूजन। यहाँ पर यह पत्र पूरा होता है। बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये पत्र के माध्यम से दो मित्र आपस में बातचीत करके बताना चाहते हैं, जिसमें एक मित्र बता रहा है पूजन के पुस्तकें उसका महत्व, जो हमें ज्ञान देती है, जिससे हमारा मानसिक विकास होता है, उसको पढ़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो यहाँ पर बताया गया है। थैंक यू।